शांति। आज की तारीख है 19/7/15 और आज मीठे मीठे प्राणेश्वर अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 2/1/80 और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, आने वाली दुनिया कैसी होगी। हरेक ने मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से नई दुनिया का वर्णन नित्य प्रति मुरलियों के अंदर सुनते रहते हैं, सुना भी होगा और मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को सुनाते भी रहते हैं। तो आइए अब और सुनते हैं कि वो आने वाली दुनिया कैसी होगी, जो आपकी कल्पना में है, मेरी कल्पना में है, वैसी दुनिया होगी या उससे भी बढ़कर होगी या फिर प्रभु की कल्पना की वह दुनिया होगी। तो आइए सुनते हैं बाप दादा से। तो आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? ये है साहेबजादे और साहेबजादियां। सो भविष्य में शहजादे और शहजादियों की सभा। सच्चे साहेब के बच्चे सब साहेबजादे और साहेबजादियां हैं। ये नशा सदैव रहता है। हाँ, सच्चे सच्चे साहेब के हम शहजादे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा जो शाहों का शाह है, हम उनके बच्चे हैं और हम सच्चे सच्चे भविष्य के शहजादे और शहजादियां हैं। तो ये नशा बाबा कहते हैं कि सदा रहता है। हाँ, ये स्मृति यदि सदैव है तो नशा भी सदैव रहेगा। परंतु जैसे आज बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, तो जब मुरली सुनते हैं तब स्मृति आती है। तो चलो मुरली के जब तक पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे तब तक तो वो नशा चढ़ेगा। परंतु बाबा कहते हैं कि भविष्य के शहजादे और शहजादियां हो तो नशा भी सदा रखना है। शहजादे व शहजादियों के जीवन से ये जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं भविष्य जीवन से संगम युग का जो जीवन है वो श्रेष्ठ है। कितना श्रेष्ठ? बाबा कहते हैं पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। बाबा कहते हैं आपको ये सभी जानकारियां प्राप्त हुई है सच्चे साहिब के द्वारा, तो खुमारी चढ़ती है, रूहानी नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं खुमारी में रहते हो, उस नशे में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रू रिहान चल रही थी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की रू रिहान चल रही थी कि साहबजादे और साहेबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। बाबा कहते हैं उसकी जो झलक है, शुरुआत जो है, वो अभी संगम पर ही दिखनी शुरू होती है, यानी आरंभ होती है। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण और राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्वसम्मति से संपन्न, हर वस्तु में मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। बाबा कहते सिर्फ एक जन्म नहीं बिताएंगे, लेकिन हर जन्म उसी मालामाल स्थिति में और राजाई की रॉयल्टी में बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हरेक के जीवन में
चारों ओर सेवा के प्रति चक्कर लगाती रहेगी। बाबा कहते प्राप्तियां जो हैं वो चारों ओर क्या करेगी, सेवा के प्रति चक्कर लगाएगी कि आप उसको सेवा में लो, सेवा उनकी करो, आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी कमाल की बात ये होगी कि आपको प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां आपको इतना चाहेंगी, इतनी उनको इच्छा होगी कि वो सोचेंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में कब लगाते हैं। चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव सतयुग का बाबा वर्णन सुनाते हैं कि वहां हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे और वैभवों की खाने भी भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होगा। हर वैभव रेडी होंगे, सदा खुशी की शहनाइयां, सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। अच्छा, ऐसे वर्तमान साहेबजादे सो सहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत। एक संकल्प की विधि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प के द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस ही सिमरती से समर्थ स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।